Hello my dear students. Once again, Aradna Ma'am welcome you in YouTube channel Learning with Aradhna Ma'am. As you are familiar, we were discussing the exact location of natural vegetation or forest in the world. Yesterday, in previous video, we have discussed the tropical evergreen forest. Okay, these forests are इन अफ्रीका, आइवरी कोस्ट, घाना नाइजीरिया कैमरून गिबन, ओके ये है हमने कल किया अफ्रीका में कहाँ पे फिर इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में है अंडेमन निकोबार आइलैंड ग्रुप है इंडिया के आपको पता है केरला और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स जो है इंडिया के वहां पे देन वी डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल डेसिटीज फॉरेस्ट मेन लोकेशन इसकी डिस्कस की इंडिया मैक्सिको

ूड पे मिलते हैं नदरन हेमोस्फेयर हायर मतलब लैटीट्यूड मीन्स ये हाई माउंटेन्स के ऊपर और नदरन हेमोस्फेयर येस्टडे आई हैव टोल्ड यू कि जीरो डिग्री मीन्स इक्वेटर आपके वर्ल्ड मैप में जीरो डिग्री मीन्स इक्वेटर ये बना होगा और जीरो डिग्री जहाँ पे है उसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नदरन हैमोस्फेयर ठीक है नदरन हेमोस्फेयर बोलते हैं नॉर्थ ओके okay, ये है साउथ नीचे वाला ओके बेटा सो ये जितने भी टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट है वो इक्वेटर के ऊपर वाले यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में है और कहां पे हायर एल्टीट्यूड जहां पर हाई माउंटेन्स है ठीक है इंडिया में भी ये हिमालयन स्लोप्स पे मिलते हैं ओके okay? और ये जो है मैं आपको यहां पे भी एक स्ट्रांग हिंट दे देती हूं आपके वर्ल्ड मैप में 60 डिग्री एंड 66 डिग्री बना होगा वहां से आपने स्टार्ट कर करने सिक्सटी एंड 66 डिग्री ये जैसे ठीक है यहाँ पे आपने मार्क करना है 66 डिग्री से ऊपर नहीं जाना और 60 डिग्री से थोड़ा सा बिलो आपने मार्क करना है ये पूरा एशिया आपको पता है ये रशिया है बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कॉन्टिनेंट है ये यहां पे और फिर नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क आपको है यहां पे है थोड़ा सा और फिर आ जाइए आप लोग यूएसए और कनाडा ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में ये अलास्का इधर यहां पे आपके टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट मिलते हैं ओके बेटा टेम्परेट सॉफ्टवुड इंडिया में भी मैंने आपको बताया है ये जो हिमालयन स्लोप्स है यहाँ पे टेम्परेड सॉफ्टवुड फॉरेस्ट ठीक है हिमालयन के सदरन पार्ट में हमारे हिमालयन स्लोप्स में ये मिलते हैं और ये नदर्न हेमोस्फेयर में ठीक है नॉर्थ में सिक्सटी टू सिक्सटी सिक्स डिग्री सिक्सटी टू सिक्सटी सिक्स डिग्री के बीच में आप ड्रॉ करोगे ये रशिया है सारे टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट स्वीडन ठीक है ये आ जाएंगे फिर आपके ये है हमारे कैनेडा और अमेरिका में थोड़ा और इधर भी अमेरिका अलास्का आपको पता है यहां पर है टेम्परेड सॉफ्टवुड फॉरेस्ट पता लग गया बेटा टेम्परेड सॉफ्टवुड फॉरेस्ट ये है वाई दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड टेम्परेड सॉफ्टवुड बिकॉज द वुड ऑफ दीज ट्रीज आर इज वेरी सॉफ्ट इनकी वुड जो है वो बहुत सॉफ्ट है इसलिए अब हम लोग लास्ट टेम्परेड सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट मैंने आपको बता दिया कि हायर जो है एल्टीट्यूड ऑफ द नदरन है अब हमारा लास्ट है मेडिटरेनियन मेडिटरेनियन फॉरेस्ट शोर्स ऑफ एफ्रीका यूरोप एशिया नॉर्थ अफ्रीका साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एशिया ये सॉरी अमेरिका यहां पे मेडिट्रेनियन फॉरेस्ट है अब ये देखिए बेटा ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है ठीक है यूरोपियन और ये है अफ्रीका और ये है एशिया आपको पता ठीक है अरेबियन कंट्री है ये पता है ना और बीच में है मेडिट्रेनियन सी मेडिट्रेनियन सी के चारों तरफ आप समझ लो कि मेडिट्रेनियन फॉरेस्ट है अफ्रीका का नदरन पार्ट ये यूरोप का सदरन पार्ट हो गया सारा ठीक है ये स्पेन इटली ये फ्रांस का पार्ट है आपको पता ही ये सारे के सारे ठीक है ये सारा का सारा क्या है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है यूरोप ये यूरोप का सदरन पार्ट और अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट है और इधर आ जाइए एशिया थोड़ा सा टच कर रहा है और फिर हमारे अफ्रीका का थोड़ा सा साउथ पार्ट और साउथ अमेरिका का वेस्टर्न ये वेस्टर्न डायरेक्शन है और साउथ मींस नीचे वाली ठीक है नीचे साउथ है ऊपर नॉर्थ है आई हैव टोल्ड यू ओके अगेन देख लो बेटा ये है मेडिटेरेनियन सी मेडिटेरेनियन सी के यूरोप का ऊपर वाला पार्ट पूरा मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है अफ्रीका का नदरन पार्ट है नॉर्थ पार्ट है यानी कि और ये एशिया का थोड़ा पार्ट इधर कौन से है मेडिट्रेनियन सी यानी कि मेडिट्रेनियन सी के आसपास कौन से फॉरेस्ट है मेडिट्रेनियन फॉरेस्ट गेटिंग माय थिंग देन ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का सदरन टिप साउथ यानी कि और ये है हमारा साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका का इधर वाला वेस्टर्न पार्ट नीचे की तरफ यानी कि साउथ पार्ट ये है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट लेट्स रिकॉल वंस अगेन जो हमने पिछले मैप में कर लिया एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं ये देखिए जी हमने किया था जीरो डिग्री इक्वेटर इक्वेटर पे क्या है टेम्परेचर हाई रेनफॉल हाई जहां पे टेम्परेचर हाई है रेनफॉल हाई है यानी कि रेनफॉल भी और सनलाइट भी है तो वहां पे पेड़ पौधों को क्या है बहुत बढ़िया जगह है पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करेंगे, इसलिए डेंस फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ठीक है ये साउथ अमेरिका का है और ये है सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका ये भी है हमारा एशिया ओके साउथ एशिया ये हमारा इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट म्यांमार बांग्लादेश सारा का सारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये वेस्टर्न घाट्स है ये अंडेमान निकोबार है ये सारे के सारे मेटी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट